सो हेलो गाइस, तो स्वागत है सबका एनिमे टून यूट्यूब चैनल के अंदर, और मैं आ गया हूँ भी नया वीडियो लेकर गाइस। हाँ गाइस, तो फॉलिंग ऑन यू का पार्ट 3 लेके आया हूँ गाइस। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही स्पेशल होने वाला है। और हाँ गाइस, चलो गाइस हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। एंड हाँ, बहुत ही कमाल का वीडियो होने वाला है ये, तो होपफुली आप जहाँ पर भी इस वीडियो को देख रहे हो तो एकदम आराम से देखो। एंड हाँ चलो गाइस, बहुत इंटरेस्टिंग है, लेट स्टार्ट। तो हम देखते हैं कि हमारे पार्ट 3 में है, जब हमारा जब देखो गाइस, जब मित्सुन मतलब उसका जो बताता है कि तुमने ही तो मारा था उसके फ्रेंड को, तो मित्सु मेरे के फ्रेंड को, तो मित्सु बोलता है कि तुम क्या कह रहे हो, तो वो बोलता है कि हाँ तुम ही तो थे जो मारने वाले हो तुम्हारे उसके फ्रेंड को, कि तुम याद नहीं कि 3 साल पहले तुमने ही मारा था मित्सु। तो मित्सु बोलता है क्या मैंने ही मारा था उसे, हाँ 3 साल पहले मैंने ही मारा था, मुझे याद है मैंने किसी को मारा था मैंने, बट मुझे याद नहीं है कि मैंने उसी को मारा था, क्या सुमेरे का फ्रेंड था भी क्या वो नहीं था, क्या कंफर्म है तुम्हारे पास? तभी वो बोलता है कि कंफर्म की क्या बात है मित्सो, ये बात सच है। और तभी एक न्यूज़ आती है भाग के, हाँ एक तभी एक न्यूज़ आती है भाग के गाइस, बहुत ही स्पेशल, मतलब बहुत ही स्पेशल तो नहीं, हमारे लिए तो स्पेशल नहीं होगा ना मित्सो के लिए, और ना किसी के लिए स्पेशल नहीं होगा ये न्यूज़, कि न्यूज़ आती है कि जहाँ एक हॉस्पिटल में कब्जा कर लिया गया और वो मित्सो को फाइंड कर रहे हैं। तभी मित्सो बोलता है यार ये क्या हो गया, और उधर तो गाइस सुमेरे को पकड़ लेते हैं उस हॉस्पिटल के कुछ गुंडे सब, तो वो लोग बोलते हैं कि अगर 3 तक मित्सो नहीं आया तो मित्सो तब तो गए, तब तो वो मतलब अब गाइस जान ही गए होंगे कि क्या होगा, तब तो मतलब सुमेरे को मार देंगे वो लोग अगर मित्सो 3 तक नहीं आया वहाँ पर। तो मित्सो और वो गुंडे सब 3 तक गिनती करते हैं, 1 2 3, और तभी मित्सो आता है मैं यहाँ हूँ। एंड गाइस उसके बाद तो यहाँ तक तो आई थिंक मैंने आपको बता दिया था पार्ट 2 में, बट अब चलो गाइस पार्ट 3, ये तो मैंने थोड़ा सा पीछे का रिकैप करवा दिया आपको। तो गाइस मित्सो जो है वो आता है, एंड हमारा सुमेरे होशिनो वो बहुत ज़्यादा गाइस बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। एंड हाँ मित्सो बोलता है कि तुम सुमेरे को छोड़ दो मुझे पकड़ लो। एंड हाँ तभी सुमेरे बोलती है आखिर कि तुम कौन हो मित्सो, तभी वो एक गुंडा बोलता है कि तुम्हें नहीं पता है कौन है, ये बहुत बड़ा माफिया है यहाँ का, और हाँ ये बहुत लोगों को इसने मारा है। सुमेरे को जब ये बात पता चलती है तो सुमेरे भी गाइस शॉक तो होती है, बट उसे अभी उससे मतलब नहीं था क्योंकि मित्सो की जान जाने वाली थी, क्योंकि गुंडे सब उसे पकड़ कर लेके जा रहे थे कहीं और जगह, और हाँ मित्सो और सुमेरे दोनों एक दूसरे को देख ही जा रहे थे, और सुमेरे को तो छोड़ देते वहीं पर। लेकिन तभी मित्सो को जब वो लेके चले जाते तो सुमेरे भी उसके पीछे आ ही रहे थे, तभी एक हॉस्पिटल के कुछ मेम्बर्स रोकते हैं, कहाँ जा रही हो तुम, ये माफिया है बहुत खतरनाक लोग है, और तुम अभी तक माफिया से एक दोस्ती की हुई थी। तभी मित्सो बोलता, तभी सुमेरे कहती है कि हाँ मैंने माफिया से दोस्ती की थी, क्यों माफिया भी तो इंसान है, माफिया भी तो उनके पास भी तो दिल है, तो हम मैं क्यों नहीं जाऊँ, मैं जा रही हूँ उसे बचाने के लिए। और तभी वो अकेले निकल जाती है, और तभी एक क्या बोलते एक हॉस्पिटल के कुछ एक प्रिंसिपल बोलते कि एक बोलते कि छोड़ दो जाने दो देखते हैं ना क्या करती है। तभी मित्सो वहाँ पे मित्सो एक तरीके से वो उसे लेके तो चले जाते, पर उनको क्या पता था मित्सो को वो लेके नहीं जा रहे, मित्सो उनको बाहर लेके जा रहे, क्योंकि मित्सो का प्लान था कि पास कुछ भी करके मुझे इन गुंडे सबको बाहर लेके जाना है, जिनका इनका काम मैं अभी कर दूँ, और काम मतलब गाइस समझ गए होंगे ना। तभी मित्सो वो उसको मतलब गुंडे सबको पकड़ कर बाहर लेके तो आ जाता है, बट अभी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि मित्सो जो रहता है ना वो उन सबको बाहर इतना पीटता है, अब इतना पीटता है कि दुनिया याद रख रही थी, मतलब दुनिया तो कोई देख नहीं पा रही थी क्योंकि जहाँ पे उसको लेके गया था काफ़ी सुनसान की जगह थी, बट एक तरीके पहाड़ों के तरफ ही लेके गया था गाड़ी से गुंडे सब, उनको क्या पता था कि मित्सो के लिए और आराम की बात है क्योंकि वहाँ पे कोई देखेगा नहीं कि मित्सो किसको मार रहा है। तो मित्सो उनको देखो गुंडे सब का प्लान था कि मित्सो को पहाड़ की जगह फेंक के पहाड़ की जगह लेकर आए और पहाड़ के नीचे फेंक दे मित्सो को, बट इस बार जब मित्सो को फेंकने जा रहे थे लेकिन मित्सो मारपीट स्टार्ट कर देता है, उनको मारने लगता है। और हाँ सुमेरे भी ढूंढते ढूंढते वहीं जगह आ रही थी क्योंकि गाइस प्यार की ताकत महसूस कर पा रहे थे मित्सो को, तो मित्सो को एक सेंस लग जाता है कि मतलब उसके दिमाग में कि सुमेरे भी आ रही होगी। तभी मित्सो बहुत लड़ता है उन सबसे, बहुत लड़ता है, हद से ज़्यादा लड़ता है। तभी वहाँ पे सुमेरे भी आ जाती है,
हाँ एंड तभी सुमेरे आती है, तो मित्सो बोलता है कि मित्सो बोलते तुम यहाँ क्यों आ गए सुमेरे होशिना। सुमेरे बोलती है मैं क्यों नहीं आऊँ तुम्हारे साथ, तुम्हें बचाने के लिए मैं आई हूँ। मित्सो बोलता है बट बट रुक जाओ यार प्लीज़, ऐसे मत करो, ऐसा मत करो यार प्लीज़। देखो सुमेरे मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो जाए। तभी सुमेरे बोलती है कि तुम्हें कुछ हो जाए तो मैं क्या करूँगी मित्सो, ये तो बताओ। मित्सो बोलता है कि सुमेरे प्लीज़ मेरे चले जाओ यहाँ से। सुमेरे बोलती है नहीं मैं तुम्हें लेके चलूँगी। तो सुमेरे मित्सो का हाथ पकड़ कर कहीं और जगह दोनों भागने लगते हैं और गुंडे सब जो रहते हैं वो पीछे पड़ जाते हैं। अब वो दोनों भाग के कहीं और जगह आ ही रहे थे। हाँ गाइस अब बहुत ही कुछ अलग सा सीन आपको देखने को मिलने वाला है कि मित्सो और वो दोनों भाग के कहीं और जगह आ ही रहे थे। और गाइस लिटरली अब बहुत कुछ आपको पता चलने वाला है कि जब मित्सो और सुमेरे एक किसी गुफा के नीचे, मतलब एक किसी 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 जगह के नीचे कहीं छुप जाते हैं, तो सुमेरे कहती है कि मित्सो तुम अपनी जान पे तुम माफिया हो, तुमने पहले क्यों नहीं बताया मित्सो। तो मित्सो बोलता है कि क्योंकि मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे डर था कि तुम मुझे छोड़ के नहीं चले जाओ। तभी सुमेरे बोलती है कि मैं तुम्हें छोड़ के क्यों जाऊँगी, और हाँ एक और चीज़ मैं तुम्हें, ये तो एक ऐसे ही मैंने बोला बट मित्सो एक और चीज़ बोलता, मेन रीज़न था कि तुम्हें कुछ जान पे खतरा नहीं है क्योंकि उन लोगों को पता चले कि तुम्हें पता है कि मैं माफिया हूँ, तो वो तुमसे बहुत सारी मेरे बारे में जानकारी लेंगे, मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं, हज़ारों लाखों लोग दुश्मन हैं इधर मेरे, तो इसी वजह से उनमें से कोई ये लोग हैं। तभी सुमेरे कहती है कि मैं हम दोनों अब तुम अपनी जान की बाजी लगाओगे तो मैं भी तुम्हारे लिए मैं अपनी जान की बाजी लगाऊंगी। मित्सो बोलता है ये बच्चों का खेल नहीं है सुमेरे होशिनो, तो बात को समझती क्यों नहीं हो। तभी सुमेरे बोलती है तो ये बच्चों का खेल नहीं है तो और कौन सा खेल है, तुम जो माफिया जैसे बनते रहते हो बार बार और मैं बस देखते रहती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ रियल का। मित्सो बोलता है एक और का बोलो तुमने क्या बोला। सुमेरे बोलती है हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ, क्यों तुम नहीं करते क्या। मित्सो बोलते हाँ करता हूँ, इसमें क्या है, वो तो बस मुझे आज तुम्हारे मुंह से सुनने को मिला कि तुम मुझसे प्यार करती हो, बस और कुछ नहीं। तभी मित्सो बोलते हैं, सुमेरे बोलती है कि हाँ मित्सो मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे लिए मैं तुम्हें बचाने के लिए आई हूँ। और हाँ मित्सो बोलता है ठीक है। और तभी सुमेरे बोलती है कि तुम माफिया हो, तुम्हारा देखभाल करने के लिए कौन है, तुम्हारी लाइफ पार्टनर कौन बनेगी अगर ज़िंदगी में तुम्हारी कोई लाइफ पार्टनर जिससे तुम्हारी शादी होगी ना, वो क्या इस तरह खुश रख पाएगी, एंड क्या तुम्हारी कोई भी शादी जिससे होगी क्या इस तरह खुश कर पाए वो तुम्हें खुश रख पाएगी। मित्सो बोलता है कि तुम क्यों नहीं कर लेते मेरे साथ शादी। तभी सुमेरे बोलती है क्या। मित्सो बोलता हाँ हम दोनों बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ना, लेकिन हाँ उससे पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। गाइस अब बहुत कुछ होने वाला है। तभी सुमेरे बोलते हैं क्या बताना चाहते हो। मित्सो बोलते हैं कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ कि मैंने ही बोलो मित्सो क्या बताना चाहते हो। सुमेरे बोलती है गाइस एंड मित्सो बोलता है कि मुझे याद तो नहीं है बट हाँ मुझे किसी ने बताया कि जो तुम्हारा दोस्त था ना हाँ तुम्हारा वही दोस्त जो तुम बता रही थी मुझे रात को कि तुम्हारे दोस्त को किसी ने मार दिया। मित्सो बोलता है हाँ, मतलब मित्सो नहीं बोलता, सुमेरे बोलती है हाँ तो। तभी मित्सो बोलता है कि वो मुझे नहीं याद है बट किसी ने बताया कि वो मैंने ही मारा है। तभी सुमेरे बोलती है क्या बोले, क्या तुम मजाक कर रहे हो ना मित्सो, यहाँ पे मजाक इस तरह मत सोचो। मित्सो बोलते कि मैं मजाक नहीं करता, मैं मजाक मतलब करता हूँ बट अभी मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियस हूँ कि मैंने तुम्हारे उस दोस्त को मारा है इसी हाथों से, मुझे याद तो नहीं है मैंने कब मारा है बट उसने कहा था और वो झूठ तो नहीं कहेगा। तभी सुमेरे बोलती है तुम क्या कह रहे हो, तुम क्या कह रहे हो मित्सो, तुम्हें पता भी है। मित्सो बोलता है हाँ मुझे पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। तभी सुमेरे आती है जोर से स्लैप लगाती है मित्सो को एंड मित्सो बोलता है मारो मुझे, मैं इसी लायक हूँ कि मैंने किसी भी मासूम की जान आज तक नहीं ली है, मैंने किसी के नहीं लिया ना, मैंने बस अपने दुश्मनों लोगों को मारा है नॉट एल्स, बट मुझे याद ही नहीं कि मैंने तुम्हारे दोस्तों को कब मारा है, तुम्हारे एक दोस्त को कब मारा है मैंने, कब मारा है 3 साल पहले, लेकिन हाँ 3 साल पहले मुझे कुछ याद था कि मैंने किसी को मारा है बट मुझे ये भी अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने तुम्हारे दोस्त को मारा है। तभी सुमेरे बोलती है मित्सो अच्छा मतलब
जिसने तुम्हें कहा है ये सब वो झूठ बोलेगा? मित्सुओ बोलता है नहीं, मैं उसमें भी बिलीव करता हूँ कि वो झूठ नहीं बोलेगा। तभी सुमेरे बोलती है अच्छा तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने क्यों मारा? मित्सुओ बोलता है कि मुझे नहीं पता। तभी सुमेरे एक और सिलाप लगाती है मित्सुओ को। तो सुमेरे बोलती है अभी मुझे तुमसे बहुत प्यार आ रहा था, तुमसे बहुत मैं प्यार करती थी, तुमसे शादी करने के लिए मैं तैयार हो गई थी क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ मित्सुओ, आई लाइक यू। मित्सुओ बोलता है कि अच्छा तुम मुझे पसंद करती हो, तो इससे क्या रिलेशन है हमारा? और अभी भी ये कन्फर्म नहीं है कि मैंने उसे मारा है। और तभी सुमेरे बोलती है कि अच्छा, और मतलब पहले तुम झूठ बोले थे? मित्सुओ बोलते नहीं, मतलब मुझे लग भी रहा है कि मैंने ही मारा होगा। बट तभी सुमेरे मतलब मित्सुओ कन्फ्यूज हो जाता है। सुमेरे बोलती है यही तुम्हारी आदत है ना, कन्फ्यूज हो जाना, यही तुम्हारी आदत है ना, तुमने मेरे दोस्त को मारा, क्यों मारा मित्सुओ, क्यों मारा? पता है तुम्हें, पता है वो मेरा दोस्त था, बट रुको, मैं उसे एक तरीके से मेरा मतलब असली भाई तो नहीं था वो, बट हाँ भाई जैसा लगता था, मतलब एक तरीके से मैं उस दोस्त को भाई मानती थी, और तुमने एक तरीके से तुमने मार दिया उसे। मित्सुओ बोलते हैं सुमेरे रुक जाओ। तभी सुमेरे जो गाइस रहती है वो सुमेरे बाहर जा रही थी। मित्सुओ बोलते हैं कहाँ जा रही हो तुम, कहाँ जा कहाँ रही हो? मित्सुओ बोलता है, तभी सुमेरे बोलती है कि अभी तक मुझे तुमसे बहुत प्यार आ रहा था, बट अब वही प्यार कब नफरत में बदल गया मुझे पता ही नहीं चला। एंड तभी मित्सुओ बोलता है तुम ये सब कहने का क्या फ़ायदा है तुम्हारा, मतलब क्यों? एक अगर ये भी कंफर्म नहीं कि मैंने मारा है। तभी सुमेरे बोलती है लेकिन तुम नहीं मारा होगा क्योंकि तुम पहले जिस तरह कह रहे थे वो एकदम सच लग रहा था। एंड तभी मित्सुओ बोलता है सुमेरे बोलती है मैं जा रही हूँ यहाँ से। मित्सुओ बोलता है रुक जाओ। और तभी जो सुमेरे रहती है वो बहुत ज़्यादा चली मतलब गुस्सा हो जाती है और वो चली जाती है। मित्सुओ बोलता है ठीक है जा रही हो तो रुको, मैं तुम्हें अकेला तो नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें इस जगह से बाहर निकाल दूंगा। तभी मित्सुओ जो रहता है वो सुमेरे को बाहर लेके जाता है और छुप छुप के वो बाहर तो लेके आ जाता है जहाँ पे रोड वोड था, जंगल के इलाका था, बट अब रोड के इलाके में आ जाते हैं वो दोनों। एंड हाँ तभी सुमेरे बोलती है मैं जा रही हूँ। मित्सुओ बोलते हैं हाँ लेकिन एक बात याद रखना, मेरा प्यार तुम्हारे लिए आज भी कम नहीं है। सुमेरे बोलती है मेरा भी तुम्हारे लिए प्यार कम नहीं है बट तुमने मेरे दोस्त को मारा है। मित्सुओ बोलता है हाँ मैंने मारा है, मुझे रियलाइज है बट मुझे यकीन नहीं है। एंड तभी सुमेरे वहाँ से चली जाती है गाइस। एंड तभी अब गाइस एक साल बाद नहीं अब सीधा गाइस 3-4 महीने बाद, अब गाइस टाइम मतलब जंप हो जाता है, मतलब टाइम 4 महीने बाद। उसके बाद गाइस 4 महीने बाद मतलब 4 महीने तक मित्सुओ और सुमेरे एक दूसरे को कभी मिले नहीं, 4 महीने से कभी देखे नहीं, 4 महीने से थोड़ा सा भी बस याद किया एक दूसरे को याद। और 4 महीने बाद उसके बाद गाइस 4 महीने बाद कुछ ऐसा होता है कि गाइस एक टोक्यो में मतलब टोक्यो में गाइस एक नया स्टडी एरिया खुला था, बट हम मतलब स्कूल वाला स्टडी एरिया नहीं, मतलब ऐसी जैसे कि लाइफ लेसन, जैसे कि दुनिया के बारे में कुछ सीख देने के लिए ऐसा कुछ स्टडी के लिए खुला था एक बिल्डिंग में, एक बड़ा सा बिल्डिंग था जो स्कूल टाइप का था, मतलब हाँ बड़े लोग भी जा सकते हैं वहाँ पे मतलब अपना दुनिया के बारे में जानने के लिए। और तो वहाँ पे मित्सुओ तो गाइस माफिया छोड़ चुका था उसके बाद से। एंड हाँ सुमेरे होशिनो वो भी मतलब एक तरीके से डॉक्टर है, बट तो भी मतलब अब डॉक्टर में उतना वर्क नहीं करती है, वो आती ही नहीं है, बट हाँ सुमेरे को जब ये चीज़ दिखता है एक लाइफ लेसन मतलब दुनिया के बारे में सीख के एक स्टडी एरिया खुला है, तो वो सोचते कि मैं भी जाऊँगी वहाँ पर, एंड वहाँ पर मैं भी अपनी स्टडी के लिए मतलब वो स्टडी नहीं जो स्कूल में पढ़ाया जाता है, वो तो हो चुका है कब का क्योंकि स्कूल लाइफ में, बट एक होता है ना सीखने के लिए, तो सीखने के लिए वो वहाँ पे अपना एडमिशन मतलब वहाँ पे फिलअप कर देती है कि मैं भी पढ़ूँगी। लेकिन गाइस वो जगह मित्सुओ भी आ रहा है वहाँ पर,
हाँ गाइस मित्सो को भी दिखता है और वो मित्सो सोचता है कि मुझे भी दुनिया के बारे में अब सीख लेना चाहिए, क्योंकि अब वो गाइस सुमेरे के याद में है ना अभी तक। और 4 महीने बाद अब वापस से उन दोनों की एक ही जगह मुलाकात हो सकती है गाइस। तो कुछ भी होगा बहुत इंटरेस्टिंग है, एंड हाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग है गाइस। और हाँ बहुत मज़ा आने वाला है आपको ये अगला पार्ट, एंड बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है आगे की स्टोरी। एंड हाँ गाइस बस देखते रहना सब का एनिमे टून, एंड एन्जॉय करते रहना, कीप सपोर्टिंग परमैन। एंड इस पार्ट में लाइक करना, कमेंट करना प्यार प्यारा। एंड ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।